अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर के अंदर हेल्दी एंड फिट होंगे और घर में थोड़ी बहुत शरारत भी कर रहे होंगे और मामा के हाथ के मज़े मज़े के खाने भी खा रहे होंगे। इनके साथ साथ आपको अपने आप को हाथ को सैनिटाइज भी करना है और मास्क भी लगाना है। आपको पता है ना कोविड कितना फैला हुआ है। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, जैसे पहले वीडियो का आपने रिस्पांस बहुत अच्छा दिया है और काम वक्त के ऊपर किया है, तो इसी तरह आप ये सेकंड वीडियो का काम भी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। चलें हम लोग वीडियो का आगाज़ करते हैं। बच्चों, ये आपकी कौन सी वर्क बुक है? इंग्लिश की। वेरी गुड। चलें सब बच्चे इंग्लिश की वर्क बुक निकालिए और उसका पेज नंबर 18 खोलिए। रीड, ट्रेस एंड कलर। सब बच्चे यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। पेज नंबर कौन सा है? 18। ये कौन सा लेटर है? डी। ये देखिए डी। यहाँ से इसको इसके अंदर ट्रेसिंग करें और यूं, या फिर आप लोग वन इस तरह बनाइए और यहाँ से सी बना दीजिए। ये क्या हो जाएगा? डी। मेरे साथ अब मिलकर पढ़िए, डी से क्या क्या आता है? डी फॉर डॉग। डॉग आप सड़क पर बहुत देखते होंगे ना, फसल पेस्ट के तौर पर भी इसको रखते हैं अपने घर पे। डी फॉर डोर। डोर क्या है? दरवाजा। दरवाजा तो सबों के घर में होता है। डी फॉर डक। बत्ता। बत्ता कैसे बोलते हैं? क्वैक क्वैक। देखिए आपने, इसमें जू भी होते हैं, बहुत से लोग पेट्स भी इसको रखते हैं, बहुत से लोग खाते भी हैं। डी फॉर डक। अब सब मेरे साथ दिखाओ पढ़िए। डी फॉर डॉग, डी फॉर डोर, डी फॉर डक। अच्छा बच्चे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है डी, इन सब के ऊपर आप जो है ड्रेसिंग करेंगे खूबसूरत खूबसूरत सा, और बाहर नहीं निकालेंगे, और इन सब चीज़ों पे आप कलर भी करेंगे। चले बच्चों, अब पेज नंबर 9। मैच, ट्रेस एंड कलर द डी थिंग्स। यहाँ पे बच्चे डेट डालेंगे। पेज नंबर कौन सा है? 19। इसी तरह ये देखिए, यहाँ से इस तरह और यहाँ से आप डी को इस तरह से ट्रेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप मैच करेंगे। देखिए डी फॉर ड्रम, यहाँ से ड्रम में हो रहा है ना मैच, इसके आप यहाँ पे इसको मिलाएंगे। और ये क्या है? ग्लासेस। ये तो जी फॉर ग्लासेस होता है, जो डी से नहीं होता तो हम लोग इसको मैच नहीं करेंगे। डी फॉर डग, डी से आ रहा है तो हम इसको भी इस तरह से मैच करेंगे। डी फॉर डाइस। डाइस क्या होता है? आप लूडो खेलते हो, उसका एक डाइस होता है, इसमें छक्का चौका वन टू थ्री सब होता है ना, वो डाइस कहलाता है। ये किससे आता है? डी से। इस तरह आप इसको भी स्केल की मदद से मैच करेंगे। और प्लीज आप सब बच्चे को स्केल की मदद से ही मैच करिएगा, टेढ़ा मेढ़ा मत कीजिएगा। और इसमें जैसे आप लोग खूबसूरत खूबसूरत से पहले पहले बच्चे हैं, इसी तरह आप डी के थिंग्स पे खूबसूरत सा रंग भरेंगे। ट्रेस एंड राइट। यहाँ पे सब बच्चे डेट मेंशन करेंगे। पेज नंबर क्या है? 20। डी कौन सा लेटर है? स्काई लेटर है, जो ऊपर की तीन लाइंस में आता है। ये देखिए ऊपर की वन टू एंड थ्री, ऊपर की थ्री लाइंस में आ रहा है डी। ये ऊपर की थ्री लाइंस में, थ्री लाइंस से आपने वन किया और इस तरह बीच में आपने बना दिया सी छोटा सा मिलाकर, तो ये क्या हो गया? डी। डी फॉर डक। ये क्या है? स्काई लेटर। इसी तरह आप सब यहाँ पे इन सब डी के ऊपर ट्रेसिंग करेंगे और यहाँ पे डी को लिखेंगे। यहाँ पे छोटा सा सी बनाया टू लाइंस में और डी को वन टू और थ्री, वन को इस तरह खींच दिया तो ये डी बन जाएगा। ये है आपकी इंग्लिश की कॉपी। इसमें आपको पेजेस करने हैं 16 एंड 17। बच्चों, ये है आपकी फोनिक्स की कॉपी। फोनिक्स की कॉपी में आपको कितने पेज करने हैं? 19 टू 24, मतलब 19, 20, 21 एंड 24।